जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का नौकरी खबर डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली ग्रामीण डाक सेवक GDS के 44,228 पदों पर तीसरी मेरिट लिस्ट को लेकर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट और पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस किए हुए हैं। आज की डेट है 16 अक्टूबर और सुबह के लगभग 10 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा। 10:30 के आसपास ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। जो सब्सक्राइब किया होगा उतना जल्दी इस वीडियो को देख पाएगा। आखिरकार कल यानी 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को आपका रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ? क्या आज आपका रिजल्ट आएगा? अगर आएगा तो कितने टाइम पर आएगा, कितने बजे आएगा? सबसे पहले आप लोग अपने रिजल्ट को कैसे देख पाएंगे? अगर आपको GDS के अंदर सिलेक्शन पाकर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना है। वीडियो अगर आपके काम की लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और सबसे फास्ट रिजल्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, आज यानी 16 अक्टूबर दिन बुधवार का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूँ। कल रिजल्ट ना आने के पीछे केवल एक ही वजह हो सकती है, उस वजह के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, क्या कट ऑफ जाएगा, कितना परसेंट आपका होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखने चाहिए, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछला हफ्ता जो आपका बीता था उसके अंदर कई तरह के गवर्नमेंट हॉलीडेज थे, यानी कि सरकारी छुट्टियाँ थी। उस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट करने वाले कैंडिडेट थे वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे। जैसे ही सोमवार आता है आपको शाम को 5 बजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर की लिस्ट देखने को मिलती है, यानी कि ये तो तय था कि पूरी तरीके से डिपार्टमेंट एक्टिव हो चुका है और लिस्ट को जनरेट करके डालना शुरू कर चुका है। आपको लग रहा होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की लिस्ट को तुरंत बनाएगा, पर ऐसा नहीं है। जब पहली लिस्ट आई थी तो सभी राज्यों की बन के तैयार थी, केवल 2 राज्यों की हरियाणा और जम्मू कश्मीर की लिस्ट को रोक दिया गया था। उसको इलेक्शन कमीशन से परमिशन न मिलने की वजह से जारी नहीं किया गया था, लेकिन वो बन के तैयार थी जिस वजह से तुरंत उनको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। उसके लिए भी शाम तक का इनको समय लग गया। अब केवल डिले होने के पीछे एक ही वजह है कि अभी तक आपकी जो मेरिट है वो बन के तैयार नहीं है, जिस वजह से ये अपलोड नहीं कर पा रहे। अगर मेरिट बन के तैयार होती तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अब तक अपलोड हो चुकी होती। तो छुट्टी के बाद जब ये लौटे हैं तो अभी काम में लग गए होंगे। कल का दिन पूरा इन्होंने लिया है, परसों का दिन तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नाम रहा, तो कल इन्होंने मेरिट को जनरेट किया होगा। कुछ मेरिट अभी भी जनरेट होनी बाकी होगी, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर होता है और उसमें एक लिमिट होती है मेरिट को जनरेट करने की, तो वो जो है तो धीरे धीरे मेरिट को जनरेट करता है सारा कुछ चेकअप करके, ताकि कुछ भी गड़बड़ी ना हो। तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, तो हम मान के चलते हैं कि कल जो है तो आधा काम हो गया होगा। अगर आधा काम आज हो जाता है तो आज के दिन आपकी मेरिट 100% आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आपकी मेरिट 21 राज्यों की बनी नहीं है, जिसमें आधे तो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, आधे लोकल भाषी क्षेत्र हैं या अदर भाषी क्षेत्र हैं। इसके अलावा आपकी जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की लिस्ट है वो पहले से बन के तैयार थी, उसको सोमवार को जारी कर दिया गया। कल मंगलवार का दिन बीत चुका है, आज दिन बुधवार है। अगर आज के दिन आपके सभी राज्यों की मेरिट तैयार हो जाती है तो शाम को 6 बजे से या फिर शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में किसी भी समय आपकी मेरिट को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर उससे पहले भी मेरिट को अपलोड कर दिया जाता है तो यकीन मानिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी नज़र और मेरे टीम की नज़र 24 घंटे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल पोर्टल पर ही बनी हुई है। आप टेंशन बिल्कुल ना ले, आगे हम आपको दिखाते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट चल रहा है। तो अभी हमने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है, एक बार आपके पास यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। रिफ्रेश हमने कर दिया, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। यहाँ पर जो आपका स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है वो ये बता रहा है कि आपका जो शेड्यूल जुलाई 2024 का है, लिस्ट फर्स्ट है, वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए जारी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन थे, इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं। कल महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, वहाँ पे शायद 20 नवंबर के आसपास वोटिंग होगा और 23 यानी 23 नवंबर के पास आपका जो वोटों की गिनती है वो होगी, यानी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो अब मुझे मुश्किल लग रहा है कि महाराष्ट्र का रिजल्ट इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालाँकि झारखंड में अभी शायद यहाँ भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो चुनाव है, चुनाव आयोग की तरफ से डेट
तय कर दी गई है। अगर ऐसा हो गया होगा, अनाउंसमेंट हो गई होगी, मैंने देखा नहीं, न्यूज़ में महाराष्ट्र के बारे में ज़रूर देखा था, झारखंड के बारे में भी थोड़ा बहुत देखने को मिला कि कैसे वहाँ का, मतलब हम इलेक्शन डेट देख सकते हैं, वहाँ पे कई चरण होते हैं, तो ये आपको देखना है। बाई चांस अगर यहाँ भी चुनावों के जो डेट्स वो आ चुके होंगे तो फिर महाराष्ट्र और झारखंड का रिजल्ट आना शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इन दो राज्यों के लिए बहुत बुरी खबर है कि अब इनको आने वाले 2 से 3 महीने में कोई भी लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। अब इनको सीधे जनवरी में आवेदन करने का मौका मिलेगा, या इस बीच किसी और राज्य में इलेक्शन की घोषणा होती है जैसे नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ, तो फिर वहाँ की भी लिस्ट आना इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो अभी इनको जो है तो किसी दूसरी जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पे तीसरी लिस्ट के बारे में क्या अपडेट है, तो देखिए प्लस की बटन पे क्लिक करते हैं, अभी आपकी तीसरी लिस्ट को यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया। जब भी आएगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सप्लीमेंट्री लिस्ट थर्ड करके, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। इतना आपको वेट नहीं करना होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आसान तरीके से आप लोग अपने मेरिट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट आया था 5 बजे, सबसे फास्ट मैंने अपडेट दिया था अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर, अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के अंदर, तो आप हमसे कनेक्टेड हो जाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, रिजल्ट को एक क्लिक में देखने के लिए आपको आना है naukrikhabar.com पर। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2024 पीडीएफ डाउनलोड 44,228 पोस्ट थर्ड मेरिट लिस्ट पीडीएफ। अभी यहाँ पे naukrikhabar.com या फिर sarkarijob.net कहीं पे भी आप लोग आ सकते हैं। अगर आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों वेबसाइट का नाम है, टाइम टू टाइम विजिट करते रहें, कहीं ना कहीं आपको अपडेट देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे जो आपकी थर्ड मेरिट की एक्सपेक्टेड डेट है वो 16 अक्टूबर 2024 की है, तो आपको इंतजार करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की जो रिजल्ट पब्लिक हुए हैं उनकी डेट थी 14 अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे की। अभी यहाँ पे आप लोग अपने रिजल्ट को कैसे देखेंगे उसके बारे में मैंने कई बार आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको सभी राज्यों के नाम मिल रहे हैं, स्टेट वाइज पीडीएफ डाउनलोड का लिंक आपको कुछ नहीं करना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ naukrikhabar.com पे आके रिजल्ट वाले सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे किसी भी राज्य के सामने क्लिक करके बटन पे क्लिक करेंगे आपको अपने राज्य का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कितने परसेंट पे आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए, तो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 85-100 यानी 85 से 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको परसेंट है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए। ओबीसी के बाद यहाँ पे एससी और एसटी आता है जहाँ पे 80-100 यानी 80 से 100 के बीच में आपके नंबर्स हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए। और पीडब्ल्यूडी में 65-200 यानी 65 से 100 के बीच में अगर आपके हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़फुल इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलते हैं देखने को, जहाँ पे सभी के सभी लिंक दे दिए जाएंगे। अभी सेकंड लिस्ट का है, बाद में थर्ड लिस्ट का आ जाएगा। ये डायरेक्ट लिंक है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे आसान तरीके से आपको बता देते हैं कि आज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके सभी राज्यों की मेरिट तैयार हो जाएंगी और आज ही के दिन आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। वेट करें, शाम के 4 बजे 5 बजे के बाद किसी भी समय आपका रिजल्ट आ सकता है, अगर पूरा दिन इनको बनाने में जनरेट करने में भी लगता है तो। उम्मीद यही है कि आपका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।